हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुर्तजा और आप देख रहे हैं एमडी वर्ल्ड रिएक्शन चैनल, आप सब दोस्तों का फेवरेट रिएक्शन चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप? होप सो आप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में मज़े कर रहे होंगे। और सब दोस्त, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये बताइए क्या कि आप किस किस शहर से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, फ्रॉम विच सिटी यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अपने सिटी का नाम ज़रूर मैंशन कीजिएगा आप कॉमेंट सेक्शन में। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट विजिट टू इंडिया, फर्स्ट टाइम विजिट टू इंडिया। तो देखते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट का इंडिया का विजिट कैसा रहा और कैसा लगा उन्हें इंडिया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंट डाउन स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। क्योंकि हम तो खुद इंडिया से आए हुए हैं, जब पार्टीशन हुई थी तो हमारे अबाओ अजदाद थे जो, वो इंडिया से आए थे पंजाब से। अपने पढ़े लिखे लोग अगर ये चीज़ नहीं प्रमोट करेंगे और वॉर प्रमोट करेंगे, ऐसी चीज़ें हेटेड एक्टिविटी बिल्कुल प्रमोट करेंगे, पढ़े लिखे बंदों ये चीज़ों को प्रमोट कौन करेगा? अच्छाई की तरफ जाएगा कौन? सुलह की तरफ जाएगा कौन? पहले इंडिया जा चुके हैं तो उधर ज्योग्राफी कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़े अच्छे लोग, इतने मेहमान नवाज लोग हैं यार, मैं कह रहा हूँ छोड़ बातें दे। और क्या उसे कहते हैं, स्टूडेंट से भी, उधर के स्टूडेंट से भी मुलाकात हुई। वैसे बस में हो और मुझे वीज़ा दें, मैं इंडिया पढ़ने के लिए जाता जी, जितनी उधर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ एमबीए में। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो भी स्पेसिफिक यूथ के लिए है कि व्हाट पाकिस्तानी यूथ थिंक अबाउट इंडिया। बाकी यूथ का तो नहीं, मुझे तो जो मैं जो सोचता हूँ वो हम ऐसे ही सोचते हैं जैसा पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। क्योंकि हम तो खुद इंडिया से आए हुए हैं, जब पार्टीशन हुई थी तो हमारे अबाओ अजदाद थे जो, वो इंडिया से आए थे पंजाब से। तो उस रिलेटेड भी वैसे भी मतलब कि एक क्या उसे कहते हैं, अगर हम पढ़े फील होती है अपने पढ़े लिखे लोग अगर ये चीज़ नहीं प्रमोट करेंगे और वॉर प्रमोट करेंगे, ऐसी चीज़ें हेट्रेड एक्टिविटी प्रमोट करेंगे, तो फिर ये चीज़ों को प्रमोट कौन करेगा? अच्छी अच्छाई की तरफ जाएगा कौन? सुलह की तरफ जाएगा कौन? तो अच्छा फील करते हैं उनके बारे में। और अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने कि जहाँ पे दुनिया में इतनी नफरत फैली हुई है वहाँ पे कुछ ना कुछ सुकून, पॉजिटिव, पीस की बात भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपको मौका मिले इंडिया विजिट करने का, घूमने फिरने का, वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करने का, खाने पीने खाने का, तो करेंगे तो कहाँ जाएंगे? आई हैव बीन टू इंडिया वंस इन 2014। मैं पढ़ता था एफ सी कॉलेज में सेकेंड ईयर में, तो हमारा यहाँ से जाना था, वो ज्योग्राफी का कोर्स था मेरा एफ ए में। आप पहले इंडिया जा चुके हैं तो उधर ज्योग्राफी कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़े अच्छे लोग, इतने मेहमान नवाज लोग हैं यार, मैं कह रहा हूँ छोड़ बातें दे। और क्या उसे कहते हैं, स्टूडेंट से भी, उधर के स्टूडेंट से भी मुलाकात हुई। वैसे भी अब जितना क्या उसे कहते हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया प्रमोट हो गया, एक ही हो गई बात, पता चल जाता है लोगों का। तो उधर की जो पढ़ाई है ना, उससे मैं इतना मुतासर हूँ ना कि बहुत अच्छी एजुकेशन है उधर की, सिस्टम आपको मुतासर। अगर जैसे हम कहते हैं यहाँ से यूके पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कैनेडा जा रहे हैं, ठीक है, अगर मैं मेरे बस में हो और मुझे वीज़ा दें, मैं इंडिया पढ़ने के लिए जाता जी, जितनी उधर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। अच्छा, वहाँ के लोग कैसे हैं, नेचर कैसी है, थोड़ा सा कल्चर के बारे में बताएं कि वो जैसा हमारे हैं वैसे ही उधर भी वैसा सीन है? कल्चर्स तो उधर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, लेकिन मैं इतनी जगह पर नहीं, हमारा था आगरा तक जाना, ठीक है, आगरा में हमारा वो था, ठीक है, कॉम्पिटिशन, और उसके अराउंड ही हम रहे हैं। लेकिन वहाँ के लोग अपनाइयत में कह रहा हूँ और मेहमान नवाजी। इंडिया यूथ में क्या आपने देखा, आपने अपनी जैसी यूथ में क्या एनर्जेटिक और एनर्जी और विजन देखे? वो सकून पसंद हैं, ठीक है, सकून पसंद लोग हैं, कोई मतलब के लड़ाई झगड़े वाले नहीं, मतलब के क्या उसे कहते हैं, जैसे ट्रिगर हो जाते हैं यहाँ पे, ट्रिगर हो जाते हैं छोटी सी बात पे, वो बड़े पुरसकून हैं, भाई के अलावा कुछ कह के नहीं बुलाते एक दूसरे को भी, चाहे कोई छोटा चाहे कोई बड़ा, ठीक है, ट्रिगर हो जाते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। यूथ आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में पीस हो जाए और ट्रेड हो जाए और मामला जितने भी बिखरे हुए हैं उनको टेबल टॉक के थ्रू हम सुलझा लें, हम पाकिस्तान में खुश रहें, वो इंडिया में खुश रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें? मैं तो शुरू पे भी आपको यही बोला कि ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर अब नहीं होंगी तो कब होंगी, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। पीस आउट। थैंक यू सर। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया और बहुत पॉजिटिव वीडियो मुझे लगी, बहुत मज़े की वीडियो लगी, और ख़ास तौर पर इस भाई ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के जो यंगस्टर्स हैं उनकी बात की है कि वो बहुत पुरसकून लोग हैं, पीस माइंडेड लोग हैं और बहुत तहम्मुल से, मज़े से रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और
बेसिकली ये रीजन जो है वो सब कॉन्टिनेंट आपको पता है हज़ारों सालों की 5,000 साल पुरानी ये सिविलाइजेशन है और आलमोस्ट हम सब के जीन्स कहीं ना कहीं जाके मिलते हैं और हम सब एक ही जो है वो तरह के लोग हैं। मेहमान नवाजी की बात की जाए तो पाकिस्तान के लोग भी बहुत मेहमान नवाज हैं और इसी तरह हिंदुस्तान के लोग भी बहुत प्यार करते हैं फॉरनर्स से, और क्योंकि मोस्टली जो पंजाब के लोग हैं या इंडिया के लोग हैं वो यहाँ से पाकिस्तान से पंजाब से माइग्रेट हो गए, सिंध से माइग्रेट हो के वहाँ, पेशावर से माइग्रेट हो के वहाँ गए हैं। और इसी तरह हम लोग जिस तरह मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो दसूए से अपना होशियारपुर ज़िला से माइग्रेट हो के पाकिस्तान आए थे और बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो लोग इधर से उधर मूव हुए हैं। तो हमारा कल्चर ऑलमोस्ट सेम ही है, हमारा सोचने का अंदाज भी कहीं ना कहीं जाके सेम ही होता है, लेकिन पहले की जनरेशन बहुत ज़्यादा जज्बाती और इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज़ को लेके हो जाती थी, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, ताकि दोनों देश तरक्की करें और आगे बढ़ें और पूरी दुनिया को लीड करें। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।